हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आज ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं पोएम लेकर के आया हूँ। जो पोएम है द ग्लोबल नेचर। दोस्तों, अगर हम लोग जाने कि ट्वेल्थ में जो ग्लोबल नेचर पोएम जो है, मींस फोर पोएम्स हैं, ठीक है, वो पोएम्स हमारी 10 मार्क्स की। तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज अ पोएम, व्हाट इज अ पोएट्री। द बेस्ट वर्ड्स आर इन बेस्ट ऑर्डर्स अगर हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोएम। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज जो पोएम की बात करने वाले हैं, द नोबल नेचर। कौन सी पोएम है दोस्तों? द नोबल नेचर। नोबल नेचर जो राइटर है दोस्तों, इसका अगर हम राइटर की बात करें तो इसका राइटर है बेन जॉनसन। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 17th सेंचुरी का एक ड्रामाटिस्ट ज्यादा था दोस्तों, ठीक है, बेन जॉनसन की बात करें 17th सेंचुरी की। लेकिन वी आर गोइंग टू रिसाइट दिस पोयम। इस पोयम को दोस्तों हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स का मतलब हो गया 3 वेज में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आई रिसाइट दिस पोयम फॉर यू, देन आई प्रोवाइड यू हिंदी ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोयम। दोस्तों आफ्टर इट आई एम गोइंग टू एनालाइज ऑफ दिस पोयम फॉर यू दोस्तों। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, हम लोग फर्स्ट द नोबल नेचर। द नोबल नेचर दोस्तों, जैसे कि नोबल का मतलब है, अगर हम लोग बात करें तो एक्सीलेंट। नोबल की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो यहां पर होगा एक्सीलेंट। दोस्तों हम बात करें सुपर्ब, हम लोग बात करें मींस सुपीरियर लाइफ। एक्सीलेंट जो नोबल वर्ड है, इट हैज 3 मीन्स। नोबल का मतलब यहां पर है एक्सीलेंट, सुपीरियर एंड सुपर। दीज 3 वर्ड्स आर फॉर दिस। ओके दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर नेचर की। दोस्तों हम लोग अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पर एक इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच यूज में हुआ है दोस्तों। और उस फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो पन का यूज हुआ है दोस्तों। किसका यूज हुआ है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए पन। पन का मतलब अगर हिंदी में मैं आप लोगों के लिए बताऊँ तो यमक अलंकार। अलंकार, यमक अलंकार, वी शुड नो दैट अ वर्ड विच इज गिविंग अस 2 मीन्स। एक वर्ड है, 2 मीन बता रहा है, तो वहां पर हम लोग यमक अलंकार का यूज करेंगे दोस्तों। नेचर का मतलब एक तो दोस्तों यहां पर है मैन का बिहेवियर, व्यवहार, स्वभाव, प्रकृति उसका कैसा। एक नेचर है जो गॉड ने हमको गिफ्ट किया, ठीक है दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आपको मैं रिसाइटिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बुल डॉट मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सियर अ लिविंग ऑफ अ डे इट फेयरर इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट It was the plant and flower of light. In small proportions, we just beauties see. And in short measures, अगर हम बात करें तो life perfect be. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे हो सकता था life may be perfect, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसको lyric में set करना था दोस्तों। ये poem जो है एक lyrical poem है दोस्तों। कैसी पोयम है दोस्तों? ये एक लिरिकल पोयम है दोस्तों। लिरिक है दोस्तों ये। लिरिक का मतलब होता है मींस लिरिकल, एक लायर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू इसको गाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द लिरिकल पोयम। लिरिक है दोस्तों ये। ओके, लाइन टू लाइन आई एम गोइंग टू टेल यू द लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस। दोस्तों इजी वे में हम लोगों को समझना है, यहाँ पर दिया हुआ है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट का वर्ड का मीन यहां पर है दोस्तों मींस गुणवान होना। क्या है दोस्तों? गुणवान होना। हिंदी में हम लोग लिख देता हूं दोस्तों, गुणवान होना। इट इज नॉट ग्रोइंग, देखो यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है दो वर्ड्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। देखो इट इज मींस गुणवान होना, मींस एक्सीलेंसी प्राप्त करना, नोबल नेचर को प्राप्त कर लेना। इज नॉट ग्रोइंग, ऐसे नहीं बढ़ता है लाइक अट्री, जैसे कि एक पेड़ बढ़ता है वैसे हमारा नोबल नेचर, हमारे गुण, हमारी मींस एक्सीलेंसी उस तरीके से नहीं बढ़ती है।
मीन्स किसमें? इन बुल्क। किसमें? इन बुल्क। बल्क का मतलब दोस्तों अगर मैं कहूं आपके लिए इन साइज, किसमें बढ़ना दोस्तों? साइज में बढ़ना। बल्की होना मीन्स क्या होना? फैटी होना, मोटा होना, टॉल लंबा होना। मीन्स एक व्यक्ति को अपने जो नेचर मीन्स नोबल नेचर्स है, गुड डीड्स हैं, उनको प्राप्त करना चाहिए उसको। लेकिन ऐसे नहीं जिस तरीके से एक पेड़ क्या है कंटिन्यू बढ़ता हुआ जाता है, इसी तरीके से हमारे जो गुड डीड्स है, हमारा जो नेचर है, हमारे जो गुण है, वो पैसे नहीं बढ़ने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ है जैसे कि मानव बढ़ रहा है तो उसके साथ उसके गुण भी बढ़ने ही चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो दोस्तों यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है डॉट, डक बोल दो इसको। ओल्ड इंग्लिश में हम लोग डज, आज जैसे कि हम लोग यूज करते हैं डज का, ऐसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश में या हम लोग बात करें पोएट्री में डक का यूज करते थे। डक मेड मैन बेटर, जिससे कि किससे? गुणों से एक व्यक्ति क्या बन सकता है? बेटर बन सकता है। एक मींस क्या कर सकता है? वो सुपीरियर बन सकता है। मींस क्या कर सकता है? वो एक्सीलेंसी को प्राप्त कर सकता है। यदि वो एक अपने अच्छे गुणों के रूप में खुद बढ़ रहा है, उसी तरीके से गुणों को भी बढ़ाए तो वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। नहीं तो और यहां पर वर्ड दिया हुआ है और, या फिर स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओ, या फिर क्या है जैसे कि ओक का ट्री होता है, स्टैंडिंग खड़ा हुआ रहता है, और उसकी अगर लाइफ स्पैन की बात करें हम लोग तो उसका 300 इयर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन वो 300 इयर्स में लोगों के लिए उसका कोई भी यूज नहीं है। मींस क्या है? उसकी जो लाइफ है टोटली मीनिंगलेस है फ्रेंड्स। ओके यस। और स्टैंडिंग लॉन्ग या फिर खड़ा हुआ है वो कैसे? एक ओक के पेड़ के जैसे। कितने इयर्स के लिए? 300 इयर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में टू फॉल, अगर मैं यहां पर कहूं दिया हुआ है एट लास्ट, और एट लास्ट क्या होता है दोस्तों? टू फॉल, गिर जाता है। कैसे? अलॉ, एक लट्ठे के रूप में, एक लकड़ी के रूप में गिर जाता है, ड्राई, सूख जाता है दोस्तों। और क्या है दोस्तों? बार्ट एंड सियर। बार्ट का मतलब होता है विदाउट लीव्स, और सियर का मतलब होता है विदर्ड, मुरझा जाता है। मींस अपनी लाइफ को वो एट लास्ट खत्म कर लेता है, समाप्त कर लेता है। 300 इयर्स उसने अपनी लाइफ को तो जिया, लेकिन उसने कुछ भी गुड डीड्स को प्राप्त नहीं किया। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसकी लाइफ टोटली मीनिंगलेस है दोस्तों। कैसी है दोस्तों लाइफ उसकी? मीनिंगलेस। आई होप आप लोगों को समझ में आना होगा। फर्स्ट जो स्टैंजा, फर्स्ट जो फोर लाइन्स है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, पॉइंट ने यहाँ पर कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, एक तो ओक के, ओक ट्री के बीच में, एक लिली का एक फ्लावर होता है दोस्तों उसके बीच में किया। देखो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, अ लिली ऑफ अ डे। मींस अगर हम लोग देखें अदर साइड, देखें दूसरी साइड अगर हम लोग देखें तो क्या है? अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली है। लिली एक फ्लावर होता है, ब्लू और व्हाइट कलर का फ्लावर होता है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, एक क्लास टेंथ में एक पोएम भी है लोटस, वहाँ पे लिली के बीच में, और एक फ्लावर है रोज, उन दोनों के बीच में रिवेल चलते हुआ रहता है, रिवेल है उनके बीच में, तो वही एक लिली का फ्लावर है जो कि कैसा है, उसका कलर क्या है? लिली क्या है? एक फ्लावर है। ये फ्लावर कैसे कलर का है दोस्तों? ब्लू एंड वाइट दोनों कलर का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अ लिली ऑफ अ डे। नाउ द पॉइंट बेन जॉनसन इज टेलिंग टू अस दैट अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो एक फ्लावर है, दैट्स That is the lily flower. Okay, दोस्तों उसका लाइफ स्पैन बात करें हम लोग तो ओनली एंड ओनली वन डे। ओके दोस्तों, और स्पेशली बात करें inferior, inferior का मतलब होता है means सबसे ज्यादा ब्यूटीज, सबसे ज्यादा means fairer जो होता है वो blooms जो होता है fairer का, और अगर यहाँ पर मीन देखें हम लोग तो blooms, blooms का मतलब होता है खिलता है, means जब वो अपने चरम पर होता है। कौन से मंथ की बात कर रहा है? लिली का फ्लावर है, केवल एक दिन के लिए है। और कौन से मंथ में वो ब्लूम होता है? मींस मई के महीने में वो ब्लूम्स होता है दोस्तों। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑल्दो का, ऑल्दो इट फॉल, यद्यपि ये भी गिर जाता है, मींस डेथ तो सभी की होनी है दोस्तों। चाहे वो फ्लावर, वो ट्री जो है 300 इयर्स जी रहा है, लाइफ तो उसकी भी लिमिट है, और ये फ्लावर जो केवल वन डे के लिए जो जी रहा है, लाइफ इसकी भी लिमिट है दोस्तों, ठीक है ना। ऑल्दो इट फॉल, यद्यपि ये भी गिरता है तो गिरता ओक का ट्री है, मींस जो इस संसार में आया है उसको एक दिन समाप्त होना है दोस्तों, ठीक है। ऑल्दो इट फॉल, यद्यपि ये भी समाप्त होता है, ये भी नष्ट हो जाता है, एंड डाई, गिर जाता है। कब गिरता है दोस्तों? दैट नाइट, उसी रात को।
जिस रात को ब्लूम्स होगा उसी दिन ये अपनी लाइफ को समाप्त कर लेता है, मींस इसके लाइफ को लाइफ का एंड हो जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात कही वो देखें आप लोग। इट वॉज द प्लांट, ये जो प्लांट है मीन्स लिली का जो प्लांट है, द प्लांट ऑफ लिली, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर, इसका जो प्लांट एंड फ्लावर है दोनों की बात हो रही है दोस्तों, ऑफ लाइट, ये दोस्तों हमको लाइट देता है। लाइट का मतलब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमको हैप्पीनेस देता है दोस्तों, हमको ये प्रसन्नता देता है, ठीक है, देखने वाले को का जो मन है उसमें ये प्रसन्नता लेकर के आता है दोस्तों, ठीक है। इन स्मॉल कॉर्पोरेशंस, इन छोटे छोटे कॉर्पोरेशंस में, कॉर्पोरेशंस का मतलब रेशो, या यहाँ पर लगाए इन छोटे छोटे अनुपात में, इस छोटे छोटे से जीवन काल में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम लोग इसकी ब्यूटीज देखते हैं, मीन्स हम लोग इसकी हैप्पीनेस देखते हैं, हम जब इसको देखते हैं तो हम लोग हैप्पी हो जाते हैं दोस्तों। एंड इन शॉर्ट नाउ द पॉइंट इज गोइंग टू कंक्लूज कर रहा है, इस पॉइंट को कंक्लूजन निकाल रहा है वो, क्या कह रहा है, एंड इन शॉर्ट, और अगर इस शॉर्ट में ये सारी बात करें हम लोग, शॉर्ट में ये सारी बात करें तो लाइफ जो है हम लोगों की परफेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, मीन्स मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर हम लोगों की लाइफ मीनिंगफुल है तो दैट इज गुड फॉर अस, अदरवाइज कई लोग दोस्तों 100 साल से भी ऊपर जी लेते हैं लेकिन उनका लाइफ में कोई यूज नहीं है, मींस उनको याद नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, जैसे कि हमारे देश के कुछ नौजवान जो कि स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इनको देखो दोस्तों, इनका जो लाइफ था वो शॉर्ट था लेकिन टुडे स्टिल वी आर रिमेम्बरिंग देम, आज भी हम लोग उसको याद कर रहे हैं दोस्तों, उनको हम लोग याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 30 years 28 years जिए, इसलिए नो, वी आर रिमेम्बरिंग दीज पीपल, दीज पर्सन, दीज पर्सनैलिटी, बिकॉज देयर डीड्स आर अनफॉरगेटेबल दोस्तों। तो दैट वॉज योर पॉइंट एंड है, ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों के लाइक व्यूज अगर मुझे मिलते रहे तो देखो दोस्तों मैं तो इससे मोटिवेट हूँ, और मोटिवेट होऊंगा तो आई प्रोवाइड यू बेस्ट से भी बेस्ट लाने की आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करते जाएं, ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है रीड की भी कुछ क्लासेस लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि हम लोग 30 questions आते हैं दोस्तों, और आप लोग अगर कंटिन्यू मेरी क्लासेस देखते हो तो आई गारंटी फॉर यू दैट आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे।